खालिद खान सैफवर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। बिजनौर के नजीबाबाद में तैनात फूड इंस्पेक्टर की दबंगई के चलते डेयरी संचालक परेशान। डेयरी संचालकों से आए दिन करता है पैसों की डिमांड। जो डेयरी संचालक नहीं इंस्पेक्टर साहब को घूस देता तो उसका जबरन सैंपल भरकर करते हैं उत्पीड़न। ऐसा ही मामला थाना किरतपुर का सामने आया है, जहां एक डेयरी संचालक सलीम, जो ग्राम नजीबपुर सादात उर्फ शादीपुर का रहने वाला है, जिसने किरतपुर में दूध की डेयरी खोल रखी है, आरोप है कि फूड इंस्पेक्टर रामवीर सिंह जबरन सैंपल भरने के नाम पर उत्पीड़न करता है। डेयरी संचालक सलीम का कहना है कि फूड इंस्पेक्टर रामवीर सिंह आए दिन उनसे पैसों की डिमांड करते हैं और उनका बार बार सैंपल भरकर मानसिक उत्पीड़न करते हैं। डेयरी संचालक द्वारा डीएम बिजनौर से कई बार की गई शिकायतों के बाद भी फूड इंस्पेक्टर रामवीर सिंह पर नहीं हुई कोई कार्रवाई। पीड़ित ने परेशान होकर दी आत्मदाह की चेतावनी। लगता है मानो कि इंस्पेक्टर साहब को किसी का डर ही नहीं है, वह तो सिर्फ अपनी जेबों को भरने में लगे हैं। जहां एक और योगी सरकार लगातार भ्रष्टाचार को खत्म करने में लगी हुई है, वही इन जैसे अधिकारी सरकार के मंसूबों पर पानी फेरने में लगे हुए हैं, जिन्हें ना तो योगी सरकार का डर है ना ही अधिकारियों का डर है। फूड इंस्पेक्टर रामवीर सिंह पूर्व में भी गाजियाबाद से घूसखोरी के मामले में सस्पेंड हो चुके हैं। पीड़ित ने प्रशासन से इंसाफ की लगाई गुहार। अच्छा लेख भाई, आपने जो यहाँ पे पता लगा रखा है, आपके पास अभी हमें पता चला है कोई यहाँ से आया था आपके पास? कौन आया था? इंस्पेक्टर आया था। क्या क्या कह रहे थे आपको? कैंपिन भर रहे थे। अच्छा आपका पैसों को कहने लगे। अच्छा कितने पैसों को कहा आपसे? 5,000 रुपए मांग रहे थे। अच्छा वो 3,000 रुपए भर रहे। 3,000 रुपए ले लिया आपसे? हम साथ में। किसने लिया आपसे 3,000 रुपए? साथ में। अच्छा ये कौन है? ये उनका वो है ड्राइवर। अच्छा उनका ड्राइवर। क्या नाम है? जी मेरा नाम मोहम्मद सलीम है और मैं गांव शादीपुर जोने का रहने वाला हूँ और मेरी डेयरी है किरतपुर में, महिला शीस ग्राम में रहमत डेयरी के नाम से। और फूड इंस्पेक्टर है रामवीर सिंह, ये मुझे बार बार परेशान करता है, पैसों की डिमांड करता है। अगर मैं इसको पैसे नहीं देता तो ये मेरा सैंपल भर लेता है और मेरा 23 तारीख में भी सैंपल भरा गया है जो नियम के खिलाफ है और उसमें मुझसे गाय भैंस के दूध था, उसमें भैंस भैंस का दूध। हर खबर को सबसे पहले जानने के लिए जुड़े रहें सैफवर्ल्ड न्यूज़ से। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।